हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन आवर मैथ क्लास। सो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छा होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। एवरीवन इज फीलिंग गुड्स। सो इसी के साथ हम पढ़ते हैं अपनी मैथ्स की क्लास। और हमारी मैथ्स की क्लास में आज हम पढ़ेंगे बेटा बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे होंगे? देखिए, आपको लगता है ग्राफ है, तो ग्राफ को एक आपको सबसे पहले ग्राफ की कॉपी में ड्रॉ करेंगे। जब आप एक ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा, या फिर ग्राफ आपको 2-3 पेजेस के हो कहें तो उसमें से काम चल जाएगा। ग्राफ की कॉपी ले लेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो ग्राफ की कॉपी में आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ की कॉपी में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको समझ में ज्यादा आएगा। सुटेबल तरीके से आप उसको फिल कर पाएंगे डेटा को। तो इस तरीके से हम अपनी ग्राफ देखते हैं क्या होता है। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम पहले जो है आप क्या करिए, डेटा को रीड करिए अच्छे से। और डेटा को रीड करने के बाद आप ये देखो कि हमें जो है चाहिए क्या। फिर आप एक्सिस लीजिए। आपको पता है कि ग्राफ कॉपी लेंगे तो उसमें आपको 2 एक्सिस रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं ऐसे। ये हमारे एक्सिस होते हैं, ये तो आपको पता है 2 एक्सिस होते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहां पर दोनों का क्या पॉइंट होता है? 0। ये तो पता है आपको, ठीक है। तो इस पे आपको जो वैल्यू जो होगी, जिस जो वैल्यू होगी वो यहां पर रिप्रेजेंट करना है, और जिसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पर रखना है आपको इस लाइन। जैसे हमने कहा स्टूडेंट के कुछ मार्क्स आए हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट करके मार्क्स आपको ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर रखने का तरीका होगा। डबल बार ग्राफ में क्या होगा बेटा, कि डेटा आपको 2 गिवन होंगे। डेटा आपको सिंगल डेटा ना दे करके डबल डेटा गिवन होंगे। तो जब भी कभी डबल डेटा गिवन होगा और तो उस कंडीशन पे हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं, क्लियर है। तो डबल बार ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास हम आते हैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं, अपने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं और उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को से इस ग्राफ को करते हैं। तो सबसे पहले इस ग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं। मैं इस ग्राफ का क्वेश्चन में पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको वीडियो में ओके करता हूँ। हाय स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया। हमने क्वेश्चन देखा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 15.3 की। ये एक्सरसाइज हमारी 15.3 के क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। इस क्वेश्चन पे हम करेंगे क्या, हमें अब आपको दिख रहा होगा कि ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा है कि डे में मंडे को जो मंडे की न्यूज आती है, तो न्यूज जो है स्टूडेंट मैं रीड कर दे रहा हूँ, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फॉलोइंग टेबल ऑफ गिवन द नंबर ऑफ पर्संस ऑफ द लोकेलिटी वाचिंग न्यूज चैनल्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स ऑन द डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। ये क्या है, नंबर ऑफ अलग अलग दिन में अलग अलग इतने पर्सन, मतलब मंडे को 600 पर्सन ने न्यूज देखा और 200 पर्सन ने इंटरटेनमेंट चैनल्स देखे, ट्यूजडे को 450, और इस तरीके से मतलब ये इतने पर्सन न्यूज देख रहे हैं इन दिन, और ये इतने लोग एंटरटेनमेंट चैनल्स वॉच कर रहा हूं। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करो। ये यहां से ये पूरा आप एक ग्राफ ड्रॉ कर दो, देख लो। आप ग्राफ की कॉपी में करोगे तो ये सीधा रहेगा, आप ग्राफ की कॉपी में करिएगा तो ये आप सीधा बनाओगे, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे होगा कि अब इसको आप ग्राफ को देखने के बाद आप ये देखो, पहले यहाँ पर लिख दो ये एक्स है और ये आपका वाई है, क्लियर है। अब ये एक्स और वाई लिखने के यहाँ आप 0 लिख दो, 0 लिख लिया। अब आप देखो कि आपका मिनिमम डेटा कितना है, कहाँ से स्टार्ट है, 200 से है, क्लियर है डेटा, 200 से स्टार्टिंग है, और मैक्सिमम जा कितना रहा है आपका, 600 तक जा रहा है। चलो 600 नहीं 700 तक मैक्सिमम जा रहा है। तो आपको यहाँ पर 50 अगर हम गैप लेंगे कुछ 200 से लेंगे, तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो गैप ले रहे हैं कुछ ऐसे करेंगे, ये हम यहाँ पर ये ऐसे ऐसे कर देते हैं कि
जैसे ये जो ये आप किंक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किंक, K-I-N-K, किंक। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो शुरू का है, जीरो से लेकर के यहां तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यहां तक के कोई लोग नहीं, तो आप किंक लिखेंगे। हमारे डेटा स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, 200 से है, तो आप यहां से लिखो ये आपका कितना है, ये आपका 200 हो गया। क्लियर है, ये आपने 200 बनाया। अब देखो, अब आपको कितना कितना गैप लेकर चलना है, हम ले रहे हैं 50-50 का गैप लेकर चल रहे हैं। देखिए 200 है, तो ये जो डिस्टेंस आप यहां पर करेंगे, ये इक्वल डिस्टेंस, कांस्टेंट आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए। ये आप ग्राफ में करोगे तो ग्राफ में सही रहेगा। 200, ये हमारा 250, और ये हमारा 300, 350, कुछ ज्यादा बनेगा क्या, 300, हम 300, इसको 100, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो लोकेशन प्लेस के हिसाब से हम उसी तरीके से ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अगर हम 50-50 का गैप लेंगे तो हमें ज्यादा जाना पड़ेगा। देखो ये 250 हो गया, ये 300 हो गया, ये 350 हो गया, ये 400 हो गया, ठीक है, ये 450 हो गया, ये कितना हो गया, 500 हो गया। अब क्या है, 550, और ये 600 हो गया। तो इस तरीके से हमारे 600 तक ये डेटा को हम लोग लिख पा रहे हैं। अभी हम जो डेटा लिख पा रहे हैं 600, क्योंकि मेरे पास प्लेस की अनअवेलेबिलिटी है, आगे जगह नहीं है, तो मैं इसलिए इस ग्राफ को, आप अगर ये करना तो आप ऐसे करोगे तो ज्यादा बेस्ट बनेगा, बट मेरे पास प्लेस की कमी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 100-100 का गैप करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो हम गैप करने जा रहे हैं वो हम 100-100 का गैप करने जा रहे हैं। क्लियर बेटा, ये देखो हम अब गैप करने जा रहे हैं 100-100 का। चलो करते हैं 100-100 का गैप। यहाँ पर हमारा क्या है, ये मान लो हमारे पास ये किंग पॉइंट है, यहां पर मान लीजिए 100 है, ये हमारे पास, अब ये आप मत लिखो, ये क्या है 100 है, और यहीं पर ही मान लीजिए हमारे पास अब डेटा बहुत ही अच्छे, क्योंकि अब 100-100 लेंगे तो हमारे पास ग्राफ जो बनेगा, हम आपको ये दिखाते हैं। देखिए 100, यहां पर हम लेते हैं 100, 200, ये हम लेते हैं अपना 300, 400, 500, ये 500, 600, और ये 700। देखिए बन गया 100-100 गैप के। ये आपकी जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आप इक्विवेलेंट डिस्टेंस रखेंगे, मतलब कि इक्वल इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, देखो क्या है, तो पहले मंडे का बनाएंगे, मंडे में लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा हमारा मंडे। तो देखो मंडे में कितने लोग हैं, मंडे में पहले न्यूज को देखने वाले, पहले आप यहाँ पर लिख दो, ये ऐसे बनाओ, ये ऐसे कर दो, कि मतलब जो हम ऐसे ऐसे करेंगे वो हमारा न्यूज है। यहाँ पर आप कलर को भी दिखा सकते हो, अलग अलग कलर को भी दिखा सकते हो, कि कलर में कर सकते हो, सेट कर सकते हो, आप अपने डिजाइन अलग अलग प्रोड कर सकते हो। ये मैं इसको ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ, ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या है, इंटरटेनमेंट की है, इंटरटेनमेंट की है। अब यहां पर हम लिखते हैं, देखो मंथ मंडे का कितना है, 600 है, तो मंडे में आ जाओ, ये 600, देखो ये मंडे का हमने बनाया है 600, हो गए मंडे का 600। लेकिन मंडे में ही एंटरटेनमेंट कितने चले देखा जा रहा है, 200, तो ये आप 200 ले लो यहां तक, ये आपके मंडे का डेटा है। लेकिन अब आपको सेम लग रहा होगा, तो मैंने बताया था न्यूज चैनल के लिए आप ऐसे ऐसे लिख दो, न्यूज चैनल के लिए आप ये तिरछी लाइन, मैंने कहा था ना स्लेंट लाइन आप कर दी है, ये हमारा क्या होगा मंडे। अब आपका इंटरटेनमेंट दिखाना, तो मैंने कहा इंटरटेनमेंट के लिए आप ऐसे ऐसे रख लो, तो ये डिजाइन आपने कर लिया, आप अपने डिजाइन कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये कर दिया हम लोगों ने। अब मंडे के बाद क्या है, ट्यूजडे, ट्यूजडे में कितना है, 450, तो 450, देखो 400 ये है, 400 ये है, और 450 ये, तो 450 इन्हीं के बीच में ही होगा, तो
तो मान लो हमारा बीच का पॉइंट ये है, ये लाइन आपको ग्राफ कॉपी में ऐसे गिवन रहेगी, ठीक। मेरे पास नहीं तो मैं इसलिए कर रहा हूं, ये देखो ये बना लिया। अब वो नीचे गया है 250, देखो 200 ये है, 50 ये होगा, ऐसे जैसे अभी हमने ऊपर किया मिड पॉइंट, तो ये कर लो 250। ये अब आपको ये न्यूज चैनल था, तो न्यूज चैनल एंटरटेनमेंट को आप ऐसे लिख रहे हो और न्यूज चैनल को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो गया। अब देखते हैं क्या है, अब हम बात करते हैं, ये मंडे का हो गया, ट्यूसडे का हो गया, ट्यूसडे। अब ट्यूसडे के बाद आते हैं वेंसडे, वेंसडे में 400 लेना है, वेंसडे में आपको ये 400 लेना, देखो 400 ये है, ये यहाँ पर 400, ये 400 का पीस है, तो ये 400 कर दिया, 400 हमारा ये है। अब कितना है स्टूडेंट, 300 है, तो आप ये 300 पे आ जाओ, ओके। तो ये हो गया। अब आपको पता है कि ये करना आपको जरूरी है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है किसका है ये, ठीक है, ये TUES, ये ट्यूसडे का था और ये हमारा वेडनेसडे का बन गया, WED वेडनेसडे का बन गया। अब वेडनेसडे थर्सडे का निकाल लेते हैं, ऐसे थर्सडे का बना लेते हैं। थर्सडे में कितना है, थर्सडे में मंडे का कितना है, 300 है, तो मंडे को क्या है बेटा, 300 ये देखो जा रहा है, मंडे का अपन का ये 300 है, राइट है, तो ये बना लीजिए 300 मंडे का हो, थर्सडे को हो गया। इसमें 400 भी चल रहा है, तो एक ये 400 ऊपर कर लो, देखो ये 400 वाला हो गया। ये किसका था हमारा, ये जो ऐसे ऐसे है ये एंटरटेनमेंट के लिए है, और ये हमने जो रिप्रेजेंट किया है ये किया है न्यूज के लिए, तो यहां लिख दो थर्सडे, TH थर्सडे, ओके। थर्सडे के बाद क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे में, फ्राइडे में, फ्राइडे में, अब यहां पर बनाते हैं फ्राइडे पे सेट, हमारे पास जगह की नहीं है, बट आप अपनी कॉपी में ग्राफ में बनाओ जैसे मैं बना रहा हूं। अब आप फ्राइडे में ले आओ 350, 350 ये है भाई फ्राइडे का, 350 ले चलो, ले चलो, ले चलो, ले चलो, 350 ये आ रहा है लगभग लगभग, ठीक है, ये आपका हो गया 350। अब क्या है 500, तो 500 आपका ये है, 500 कुछ आपका ये चल रहा है, ये देखो 500, 500, तो ये ले लो यहां तक 500, ओके। ये देखो ये आपका बन गया एंटरटेनमेंट का हो गया, और ये जो बना दिया हम लोगों ने न्यूज का बना, ये किसका था, वेडनेसडे का था, नहीं, फ्राइडे का था, ये मेरा फ्राइडे का था, बात समझ में आ रही है। तो फ्राइडे सैटरडे तक, अब इसके आगे आप लोग आई थिंक बना लेंगे, इतना आइडिया आपको मिल गया होगा। करना क्या है, ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू देखनी होती है, ये आप अपने समय या अपने प्लेस के हिसाब से देखो कितना हमारे पास जगह है, उस हिसाब से इसको लेट कर सकते हो। नीचे आप ये रिप्रेजेंट करोगे कि क्या दिखाना है आपको, फिर आप पहले ये लिख लिया करो कि हम किसको किस तरीके से दिखा रहे हैं। जैसे हमने न्यूज को दिखाया कि न्यूज को हम स्लेंट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एंटरटेनमेंट को हम एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा एंटरटेनमेंट होगा। तो इस तरीके से आप आई थिंक इसके जो ग्राफ है वो बना लोगे। ग्राफ में है कितना, 15.3 में, 15.3 में सभी में डबल बार ग्राफ ड्रॉ करनी है, तो आई थिंक डबल बार ग्राफ करनी आ जाएगी आपको इस तरीके से, सिंपल है, सिंपल है। तो बस ये आपको रिप्रेजेंट करना होगा, ये एक्स एक्सिस लिखो, ये वाई एक्सिस, और इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हुए चले जाइए, क्लियर है। तो बना लेंगे, और आप मंडे, सैटरडे और संडे को यहाँ पर आप होमवर्क में कर लो, ठीक है, बना लोगे, कर लेंगे। तो बस एक्सरसाइज में इतना ही है आपको ग्राफ ड्रॉ करना, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। मान लीजिए इसमें रिलेटेड ये है कि अगर हम इसमें ये क्वेश्चन पूछें कि कौन सी ऐसी न्यूज है जो संडे को ज्यादा देखी जा रही है, कौन सा इंटर चैनल है, तो देखा तो इंटरटेनमेंट का चैनल ज्यादा लोग देख रहे हैं, और अगर हम ये कहें कौन सी कम पॉपुलर वाला है
तो पॉपुलरिटी के हिसाब से तो अब यहाँ नहीं शेयर कर सकते, पॉपुलर सब में है। मंडे में अगर हम बोले मंडे में न्यूज का देखने वाले कितने हैं, तो 6 है। तो इस तरीके से आपके कुछ ऊपर क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को होप आई कर लोगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि उन क्वेश्चन पे सीधे ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, किसमें इक्वल लोग हैं, तो इस तरीके क्वेश्चन कर लोगे। बात करते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज की, अगर बात करते हैं एक्सरसाइज हमारा नेक्स्ट है, हमारा एक्सरसाइज में नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन है हमारे प्रोबेबिलिटी के हैं, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, बट अगले वीडियो में आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लोगे, तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में।